हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। सो बच्चों, बहुत दिनों से अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे दो नए हैशटैग्स काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, हैशटैग #रीनीट और #नीट एग्जाम लीक। नाउ क्या है ये कहानी और आगे क्या होने वाला है और NTA का इसमें क्या अपडेट आ चुका है, जरा फटाफट जानते हैं और समझते हैं उन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से जो कि शायद नीट के दोबारा होने के एक्सपेक्टेशन में सोच रहे हैं या फिर चाह रहे हैं। वट एवर द थिंग इज, प्लीज आप जरा इस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफी ज्यादा अफवाह फैल चुकी है। अलग अलग YouTube प्लेटफॉर्म्स पे भी आप आए दिन देखेंगे नई नई न्यूज आती है, सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस, यहाँ चला गया, वहां चला गया। तो यार इस पूरा सिनेरियो को मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, वीडियो एंड तक देखना तभी आपको पूरा केस समझ आएगा और ये भी सब पता चलेगा कि यार आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जरा स्टोरी को जानते हैं। तो देखो होता क्या है कि 5 मई को सवाई माधोपुर में एक स्कूल है राजस्थान में, जहां पे कुछ 120 अराउंड स्टूडेंट्स को गलत पेपर दे दिया जाता है और उसके चलते थोड़ा सा वहां पे इशू क्रिएट होता है, स्टूडेंट्स बाहर आ जाते हैं। बट बाद में NTA इस चीज को क्लेम करता है कि जब वो बाहर आए थे तो बाकी सारे स्टूडेंट्स सेंटर पे जा चुके थे, अंदर थे, वो एग्जाम लिख रहे थे, तो वहां से पेपर लीक हो नहीं सकता। पहला इशू तो यहां से होता है। बाद में NTA उन सारे 120 स्टूडेंट्स का एक इंडिविजुअल एग्जाम उसी दिन करवा देती है रात में। तो पहला इशू तो ये आता है। अब मेन जो प्रॉब्लम चालू होती है वो चालू होती है एक वीडियो की वजह से, वीडियो ऑफ अ मैन सजेस्टिंग नीट 2024 क्वेश्चन पेपर लीक गोज वायरल ऑन एक्स। ये ट्विटर पे ये वीडियो अप्रैल में बना हुआ था, सोच सकते हैं आप, और ये ट्रेंड होने लग गया और इसके ट्रेंड होने के चक्कर में काफी ज्यादा इशू होने लग गया और बहुत सारे लोग नीट पेपर लीक की अफवाह फैलाने लग गए। उसके बाद एक और इवेंट होता है, तो ये पैरेलली दो इवेंट हो रहे हैं, ये 5 मई को हो रहा है। उसके बाद कुछ दिन बाद ये पता चलता है कि बिहार में कुछ लोग पेपर को लीक करवा के सेल आउट करवाते पकड़े गए हैं और बिहार के कॉप्स का ये, मतलब पुलिस वालों का ये स्टेटमेंट आता है कि अराउंड 15-20 लोगों को उन्होंने पकड़ा है इस चीज में, और जहां पे प्रॉक्सी एग्जाम भी दिलवाया जा रहा था और कुछ स्टूडेंट्स को एग्जाम एक रात पहले मिल चुका था और एक काफी बड़ा अमाउंट दिया जा रहा था वहां पे, तकरीबन 30-50 लाख रुपए का, जिसमें आप क्वेश्चन पेपर खरीद सकते थे। तो जब इतना बड़ा अमाउंट है तो ये मान के चलो ये हर किसी के बस की तो बात नहीं है और बहुत सारे लोगों को ये एग्जाम या पेपर लीक के बारे में पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिसकी लिमिट 30-50 लाख रुपए देने की है तो वो प्राइवेट MBBS कॉलेज से भी आराम से अपनी 5 साल की डिग्री कर सकता है। जो कि एक पेपर के लिए इतना पैसा दे सकता है वो अपनी MBBS प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकता है, सीधी सिंपल सी बात है। और हम तो गवर्नमेंट MBBS कॉलेज के लिए लड़ रहे हैं, राइट, क्योंकि हम कम फीस में एक अच्छे कॉलेज से MBBS करना चाहते हैं। तो ये सिनेरियो होता है। अब इसके चक्कर में अभी रीसेंट अपडेट ये आता है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट EOU जो कि बिहार पुलिस की है उसको इस चीज में लगा दिया जाता है, एक SIT बनाई जाती है जो कि इस पूरे सिनेरियो को देखेगी, समझेगी, जानेगी। ओके, अब इस पूरे सिनेरियो में क्योंकि इतना ज्यादा फैल रहा है ये न्यूज, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे आज की डेट में रीनीट, नीट एग्जाम लीक, नीट दोबारा होगा नहीं होगा, जो होगा सही बताने की बजाय बच्चों को कंफ्यूज करके रखा हुआ है कि होने क्या वाला है। तो यार यहां पे देखो सिंपल सी लॉजिक के साथ बात करूंगा और जो हो सकता है उसी के बारे में बताऊंगा। अब इसके बाद NTA क्योंकि इतना ज्यादा ये चीज फ्लरिश हो रही थी, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे और एक वायरल ट्रेंड चलने लगा, तो NTA ने अपना सर्कुलर जारी किया पिछले हफ्ते और NTA ने ये साफ साफ कहा है, यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं। पहली चीज तो उन्होंने क्लियर बोला कि एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, एक परसेप्शन यहां पे आप देख सकते हैं बनाया जा रहा है दैट द क्वेश्चन पेपर गॉट लीक बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, और इस चीज के लिए NTA सारे कैंडिडेट्स, पेरेंट्स और टीचर्स और सब जो भी कंसर्न है उनको कुछ बताना चाहता है। नंबर एक चीज कि भाई नीट 2024 कंडक्ट सक्सेसफुली हुआ बाय NTA सारे 4,750 सेंटर में इन 571 सिटीज। उसके बाद इट हैज बीन असर्टेन फ्रॉम NTA सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दैट सोशल मीडिया पोस्ट जो भी जितने ज्यादा हैं वो पॉइंट कर रही हैं पेपर लीक के प्रति वो कंप्लीटली बेसलेस हैं, कोई आधार नहीं है उनका एंड विदाउट एनी ग्राउंड। ये NTA का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, लास्ट में दिखाऊंगा डायरेक्टर ऑफ NTA के
सिग्नेचर भी है उस पर, ठीक है। सो टू पुट र्यूमर्स टू रेस्ट, इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट एवरी सिंगल क्वेश्चन पेपर हैज बीन अकाउंटेड फॉर। फर्दर इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट आफ्टर द गेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर आर क्लोज, नो वन फ्रॉम आउटसाइड इज परमिटेड टू एक्सेस इन साइड द हॉल्स। ये बेसिकली उसी इवेंट को बता रहे हैं जो कि सवाई माधोपुर में हुआ, कि भाई बच्चे अगर मान लो बाहर पेपर दे के आ भी गए तो भी उस पेपर को समझ के या जान के आंसर लेके कोई अंदर नहीं जा सकता था, और जब वो बाहर आए तब बच्चे ऑलरेडी सेंटर में थे बाकी अदर सेंटर्स पे, तो लीक का तो कोई केस ही नहीं बनता, मतलब इक्वालिटी से पेपर हुआ है। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, एनटीए का है। दूसरी चीज, इन्होंने क्लियरली यहां पे बताया है कि सवाई माधोपुर में ऐसा कुछ स्टेट होता है जो कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम जो कर सकते थे हमने किया है। जो स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको बार कर दिया जाएगा, वो फर्दर एग्जाम नहीं लिख सकते, और जो भी इसमें अफेक्टेड थे उन सभी लोगों का पेपर ऑलरेडी हो चुका है। इसके अलावा ऑल अदर फोटोग्राफ्स ऑफ क्यूपी सर्कुलेटिंग सोशल मीडिया हैव नो रिलेशन टू द एक्चुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर विच हैज बीन एडमिनिस्टर्ड। तो सीधे सिंपल अक्षरों में इन सारे पॉइंटर्स से एक ही बात बताई जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है। और ये फाइनल चीज जो लिखी जाती है लास्ट में, देखिए, इन लाइट ऑफ द अबव कैंडिडेट्स देयर पेरेंट्स टीचर्स एंड ऑल कंसर्न्ड आर रिक्वेस्टेड नॉट टू पे हीड टू सच र्यूमर्स एंड कॉन्सेंट्रेट फॉर द फोर्थकमिंग एग्जामिनेशंस। क्लियर कट शब्दों में ये लास्ट की स्टेटमेंट देखिए एनटीए ने ये बता दिया। नाउ बस, अब आप इन सारी अफवाहों पे मत ध्यान दीजिए। अब यहां पे देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स से बोलेंगे नहीं सर, रीनीट होना चाहिए, सर गलत हुआ है, हम 25 लाख बच्चों के साथ गलत हुआ है। देखो पॉलिटिक्स तो हम खेल नहीं सकते, तो थोड़ा रियलिटी में आ जाते हैं, क्योंकि हम शायद इस बारे में सोच सोच कर अपना ही एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम ही दूसरे दूसरे एंगल्स पे अपने आप को एक बोलते ना झूठी आस देना, झूठी आस दे रहे हैं कि शायद दोबारा नीट हो जाएगा तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे, या ये जो गलतियां की तब दोबारा नहीं करेंगे। यार देखो, ये खुद को झूठी आस देना नहीं वर्क करता, वर्क करता है मेहनत करना, और मेहनत करके शायद तुम कुछ कर सकते हो। आगे बताता हूं, अभी खत्म नहीं हुआ है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या ऐसे नीट के लीक के पेपर्स पहले नहीं आए हैं? बिल्कुल आए हैं, 2013 में, 2016 में, 2021 में, ये पहले भी हो चुका है, लेकिन कोई री एग्जाम नहीं हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने की, इसलिए भी क्योंकि अभी जो ये चीज ट्रेंड चल रही है, तो शायद तुम लोग सोचो सर इस बार ज्यादा बड़ा रेवोल्यूशन है, इसलिए हो सकता है। दूसरा पॉइंटर बताता हूं, एनटीए कोई छोटी सी संस्था नहीं है। एनटीए गली में या नुक्कड़ में बैठने वाला कोई छोटा सा ऑफिस नहीं है बेटा, वो इतनी बड़ी अथॉरिटी है जो कि जेई और नीट दोनों के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, 25 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराती है सिर्फ एक एग्जाम जो कि है नीट के लिए, तो कोई छोटी अथॉरिटी तो है नहीं। और अगर इतनी बड़ी अथॉरिटी है तो वो कभी ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कि ऐसा कुछ हुआ है, और अगर हुआ है तो जिस तरीके से उन्हें एक्सेप्ट किया, उन्होंने उस चीज़ का तुरंत रेजोल्यूशन देके उसे सेटल डाउन कर दिया, तो दैट इज गोइंग टू बी द केस। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, यार 25 लाख लोगों का एग्जाम कराना कोई बहुत ईजी चीज नहीं होती है। तुम सोच के देखो, देखो मैं मेरे को ये मत समझना कि मैं स्टूडेंट्स का एंटी हो रहा हूँ या मैं स्टूडेंट्स की भलाई नहीं चाह रहा हूँ। जहाँ पे मैं सपोर्ट कर सकता था, मैंने अपने एंड से, मैं छोटा आदमी हूँ और मैं छोटे आदमी की ज़्यादा लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे मुझे नहीं पता, बट शायद जहाँ मुझे लगा कि यार इस क्वेश्चन में शायद बोनस मिलना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे एक डिलेमा सिचुएशन थी, फिजिक्स का जो बोनस क्वेश्चन था, तो एक वीडियो बनाया। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप खुद सोच के देखो कि इस पूरे टेन्योर से जो बिहार में होता है, जो सवाई माधोपुर में होता है, दिल्ली के भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन कितने लोग होंगे? 50, 100, 500, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। 500 लोगों के लिए क्या 25 लाख का एग्जाम दोबारा करवाया जा सकता है? आप खुद सोच के बताइए, क्या उन 25 लाख में से जो लोग अच्छे नंबर ला चुके हैं, जो अब एक रिलैक्स कर चुके हैं, अब उन्हें बोला जाए नहीं 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 आप रिलैक्स मत करो, आपको लग रहा था ना आपके आप बहुत अच्छे नंबर है, नो, आप रिलैक्स मत करो, आपका एक और बार एग्जाम होगा, अभी आप फिर से पढ़ाओ, आपने इतने दिन तो पढ़ना छोड़ दिया है, आप एक काम करो आप फिर से पढ़ो, क्योंकि आप फिर से पढ़ोगे, क्योंकि रीनीट हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता यार, क्यों हम झूठी आस में जिए, रियलिटी में आ जाते हैं। रियलिटी ये है कि शायद रीनीट दोबारा नहीं होगा, दोबारा एग्जाम नहीं होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम होगा और उसमें मैं अच्छे से पढ़ूंगा, बेटा मत रहो इस झूठी आस में। अगर आप जेन्युइनली चाह रहे हो नीट का एग्जाम देना, तो प्लीज लग जाओ, ड्रॉप ईयर ले लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, ज्यादा मत सोचो। रियलिटी में आते हैं, रियलिटी यही है कि शायद नीट एग्जाम दोबारा नहीं होगा, ठीक है।
साथ ही साथ नीट के आंसर की से रिलेटेड भी बातें कर लेते हैं कि आंसर की कब रिलीज होगी। तो देखो, लास्ट ईयर अराउंड 7 मई के आसपास पेपर हुआ था और उसके तकरीबन 1 महीने से 2-3 दिन पहले यानी जून 4 को आंसर की रिलीज हो गई थी और आंसर की के साथ आपके टेंटेटिव जो आपने वहां पे ओएमआर शीट पब्लिश की थी वो भी हो गई थी। तो इसी के अराउंड इस बार 5 मई को हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टार्टिंग 1st 5 डेज में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की है रिलीज हो जाएगी नीट से NTA से और वहां पे आप चेक कर सकते हैं। बट अभी भी आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अपनी आंसर की रिलीज कर चुके हैं। इन्फिनिटी लर्न की वेबसाइट पे भी सारे कोर्ट्स के आंसर की रिलीज हो चुकी है, जिन्होंने चेक नहीं किया चेक कर लो, और चेक कर चुके होंगे मैक्सिमम जहां तक मुझे एक्सपेक्टेशन है। तो बेटा तुम्हें अब शायद क्लियर हो चुका होगा कि अब मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अब मैं तुम लोगों को, अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आप खुद सोचिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने लास्ट ईयर ड्रॉप लिया हो, फ्रेश अटेम्प्ट में हो, आप जहां पे भी हो, आपने जहां से भी पढ़ाई की, आपने पढ़ते समय क्या वो चीज समझी कि यार मैंने पढ़ाई तो खूब की थी, पता नहीं मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैं 550 नंबर ला रहा था लेकिन उसके आगे बढ़ नहीं पा रहा था। मैं 600 नंबर तक ला रहा था लेकिन उसके आगे बढ़ नहीं पा रहा था। मेरे 620, 400, 450 पे मैं अटक गया। मेरे टेस्ट में कभी अच्छे आ रहे थे कभी बुरे आ रहे थे, समझ ही नहीं आया और फाइनल एग्जाम में नंबर कम आए। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस में आप फंसे हुए होंगे और फंसे हुए बता रहा हूँ सिंपल क्यों हो। देखो, पढ़ाई मात्र से अगर एग्जाम निकल रहा होता तो बेटा बहुत सारे बच्चे एग्जाम निकाल चुके होते। तो ये समझने वाली बात है और अपने दिमाग पे नॉक करने वाली बात है कि क्या बस पढ़ाई से ही एग्जाम निकलता है? क्या बस पढ़ लेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा? क्या किताबें सॉल्व कर ली तो एग्जाम निकल जाएगा? नहीं, स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है और स्ट्रैटेजी बनाने के साथ साथ अपनी कमियों को जान के उन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं अपनी कमियों को दूर नहीं करूंगा मेरा सैचुरेशन आ जाएगा। वो सैचुरेशन हो सकता है 450 का रहे, 500 का रहे, 520 का रहे, 300 का रहे, 350 का रहे, ना पढ़ने में मन लगेगा और ना समझ में आएगा कैसे ऊपर जा सकते हैं। और इसीलिए बोल रहा हूं कि इन्फिनिटी लर्न का रैंक अश्योरेंस प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। मैं रिजल्ट की अगर बात करूं तो यार यू वेरी वेल नो नीट 2023 में क्या रिजल्ट रहा है श्री चैतन्य के इकोसिस्टम से। AIR 1 JEE मेन, नीट, JEE एडवांस तीनों में आइए। और AIR 1 तो छोड़ो, मैं यहाँ पे सिलेक्शन रेशो की बात करता हूँ। टॉप 100 स्टूडेंट्स में 29 रैंक, सोच रहे हो आप। टॉप 1000 स्टूडेंट्स में अराउंड 200-250 रैंक्स। मतलब आप ये सोच के देखिए, अगर पूरे देश का सिलेक्शन परसेंटेज 100,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं 25 में से, यानी 7% है, श्री चैतन्य की इकोसिस्टम से अराउंड वही परसेंटेज आपका 17-18-20% चला जाता है। पॉइंट सिंपल सा है यार, इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टडींग, इट्स अबाउट हाउ यू स्टडी। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अबाउट व्हाट, इट्स अबाउट हाउ। आप क्या कैसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो तो सबको पता है, सिलेबस सबको क्लियरली पता है। कैसे पढ़ रहे हो और कैसे पढ़ना है, उसी के लिए ये पूरा का पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। रही बात इस प्रोग्राम में सबसे यूनिक फीचर क्या है, देखो यूनिक फीचर इस प्रोग्राम का सबसे ज्यादा है कि ये लिमिटेड बैच ऑडियंस को देता है। आप समझो इस चीज को, आपको पर्सनलाइज लर्निंग चाहिए। वन साइज फिट्स ऑल वाली स्टोरी आप पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर होती तो शायद आप ये रैंक निकाल चुके होते। आप बेटर नहीं कर पाए, आप बेटर नहीं कर पाए इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट आपने खूब पढ़ाई की, लेकिन आप अपने स्कोर को उस लेवल पे नहीं ले जा पाए। क्यों नहीं ले जा पाए? क्योंकि शायद आप पर्सनलाइज लर्निंग मिस कर रहे थे। आपको फैकल्टी के साथ कनेक्ट चाहिए था और फैकल्टी के साथ कनेक्ट बेटा भीड़ में नहीं हो सकता। अगर तुम 3,000-5,000-6,000 के कोर्सेज एनरोल करना चाहते हो, मैं ये नहीं बोल रहा वो पढ़ा रहे हैं जो टीचर बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मेरे साथ पढ़ा चुके हैं, आई नो देम। बट पॉइंट ये है, सिंपल सी चीज़, वो तुम्हें शायद उस लेवल पे बेटर नहीं कर पा रहा है। तुम्हें जो चीज़ चाहिए जिससे तुम्हारा रैंक बढ़ सकता है, वो चीज़ वहाँ डिलीवर नहीं हो पा रही तुम्हें, क्योंकि अगर हो जाती तो शायद रैंक निकल जाती। सिंपल सी बात है, सवाल पूछना चाहिए। देखो, सवाल नहीं पूछोगे तो हमेशा समस्या में फंसोगे, सवाल पूछोगे तभी आंसर भी मिलेगा। तो सवाल पूछना चाहिए कि क्यों वहां नहीं और क्यों यहां पे। यहां पे फीस उनसे थोड़ी सी ज्यादा है, बट हाँ ऑफलाइन के कंपैरिजन में बहुत कम है। और मैं क्लियरली बता दे रहा हूं और साथ ही साथ ये भी बता देता हूं आपको। ये देखिए, आपको क्लोज प्लान तो सारे मिल जाएंगे, 480+ लार्ज क्लास है,
उसके बाद फिर इसमें लाइव आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशंस हैं। प्रैक्टिस सेशंस बेसिकली डिजाइंड है आपकी क्वेश्चन प्रॉब्लम एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी वही लाइव क्लासेस होती हैं। लिमिटेड बैच साइज, जितना एक ऑफलाइन में बैच साइज होता है अब लिमिटेड है, और पर्सनल अटेंडेंस, आपको पर्सनलाइज अटेंशन देना है तो यार सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा टीम का एफर्ट लगता है। साथ ही साथ आपकी पर्सनलाइज रिपोर्ट्स के बारे में आपको मेंटरशिप करना है, आपके साथ एंगेज करके रहना है, पूरे साल भर आपके साथ रहेंगे, ये नहीं कि बस पढ़ाए और निकल गए, आपके साथ पूरे साथ टाइम रहेंगे, हाथ पकड़ के ले चलना है आप लोगों को और आपकी कमियां बताते चलना है। और ये सारी चीजों में बेटा एफर्ट, टाइम, लेबर, सब कॉस्टिंग सब लगती है। एंड इसीलिए, और साथ ही साथ देखो एक और मजेदार चीज बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं आपको डे वन से प्राइस पे करना है, आप अपना फ्री ट्रायल बुक कर सकते हैं। जो मेरे से पढ़ चुके हैं, मेरे YouTube के पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, पढ़ रहे हैं, अभी एक नई सीरीज भी लॉन्च होगी, आप जान सकते हैं कि यार कैसे टीचर्स हैं, क्या यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज दी जाती है। सो आप फ्री ट्रायल ले सकते हो। एंड इफ यू आर नॉट वांटिंग कि नहीं सर बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, रीनीट वीनीट तो नहीं हो रहा है, बैच लेते हैं, तो प्लीज आप जाइए इन्फिनिटी लर्न, मैं आपको लिंक बता दे रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाइए, रैंक अश्योरेंस प्रोग्राम आप परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे जैसे ही कोड आदर्श 40 लगाएंगे आपको फ्लैट 45% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो बैच की लिंक है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए बैच की लिंक पे, वहाँ पे जाएंगे, कूपन लगाएंगे आदर्श 45, यू विल गेट अ स्ट्रेट 45% ऑफ ऑन द एंटायर कोर्स, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये लेना चाहिए। कॉस्टिंग की अगर आप बात करोगे तो देखो कॉस्टिंग यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आई शो इट टू यू, ये वेबसाइट है आपकी, ठीक है, दिस इज योर मेन वेबसाइट। आपको जाना कहाँ है, आपको कोर्सेज पे जाना है। देखो एक चीज़ तो आप ये कर सकते हो, गूगल फॉर्म भर लो, आपको एक कंसल्टेंट मिल जाएगा, वो आपको हेल्प कर देगा इस चीज़ में और आपको गाइड भी कर देगा। दूसरा, इफ़ यू वॉन्ट कि नहीं सर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप कोर्सेज पे जाइए, कोर्सेज में नीट पे जाएंगे, नीट पे जैसे ही जाएंगे क्लास 12th प्लस पे जाएंगे, और यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे, यू विल गेट दिस नीट 2024-2025 ग्रेड 13 रैंक एश्योरेंस प्रोग्राम। जैसे ही आप एनरोल नाउ पे टैप करेंगे आप शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे पेज पे, जहाँ पे आपको आपकी डिटेल्स डालनी है, मोबाइल, फोन नेम, और यहाँ पे आप जैसे ही OTP वेरीफाई करते हो यू विल गेट ऑन टू दिस पेज जहाँ पे आपकी कॉस्टिंग रहेगी। यहाँ पे आपको कूपन लगाना है, और कूपन जैसे ही आप आदर्श 45 लगाएंगे यू विल गेट अ फ्लैट 45% डिस्काउंट, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, यहाँ पे मुझे वापस OTP वेरीफाई करना बोला है, लेकिन आप समझ गए जहाँ तक मुझे लगता है। आप जैसे ही वहाँ पे कूपन कोड पे टैप करेंगे यू विल गेट अ फ्लैट 45% डिस्काउंट ओवर देयर, एंड उसके बाद आप पे कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आती है। एंड बस यार सिंपल सी चीज़ से एंड करूँगा, रीनीट नीट दोबारा होगा नहीं होगा, डोंट थिंक इन दिस मैनर, फालतू की चीज़ों में इन्वेस्ट मत करो अपना टाइम। आपको जहाँ से पढ़ना है आप पढ़िए, आपको इन्फिनिटी लर्न से पढ़ना है, आपके कोई और टीचर्स उनसे पढ़ना है, आप पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, बस ये है फालतू अफवाह में मत जियो, झूठी आस में मत रहो, शायद नीट दोबारा नहीं होगा, मे भी हो सकता है मैं गलत हूँ, और अगर ऐसा होगा तो आप खुद जानते, मैंने आपको बता दिए क्या क्या चीज़ें स्टेक्स पे हैं। बट द पॉइंट इज, मैं नहीं चाहता आप किसी आस में जियो, अगर आप ड्रॉप लेने का मन बना चुके हैं तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। लंबी लड़ाई है बेटा, और कॉम्पिटिशन बहुत ही कट थ्रोट है, कॉम्पिटिशन बहुत कट थ्रोट है, और आपके आगे की जो ये रैंक है, जो मार्क्स हैं, जो आपका आगे फ्यूचर रहने वाला है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी ग्रेविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो फिर आई थिंक आपको एक वाइज डिसीजन लेना चाहिए। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, आप जहाँ से पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, बट माई हार्टिएस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मचाते रहो, एंड मैं यूट्यूब पर मिलता रहूँगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।